हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत में खाने वाला भजिया। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है ये। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। सबसे पहले हमें आलू से छिलका हटाना है। एक बाउल में पानी ले लिया है, ग्रेटर ले लिया है। आलू को ग्रेट करते हुए डायरेक्ट पानी में डालते जाएंगे, नहीं तो आलू का रंग काला पड़ने लग जाता है। सारे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट किए आलू को 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करके फिर छन्नी में रख लेंगे। ग्रेट किए और धुले हुए आलू को ऐसे प्रेस कर कर के एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे, एक बाउल में रखते जाएंगे। बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 5 बड़े चम्मच सामा का आटा, 2 बड़े चम्मच राजगीरा का आटा, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, 1/2 नींबू, 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल, 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच ड्राई रोस्ट और दरदरा पीसा हुआ मूंगफली, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ऐसा लगे कि बाइंड नहीं हो रहा है मिश्रण, तो 1 से 2 चम्मच राजगीरा का आटा हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 चम्मच राजगीरा का आटा ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, ऐसे ही मिक्स करेंगे। ज़रूरत होगा तो पानी ऐड करेंगे। भजिया के मिश्रण में पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है मिश्रण को। भजिया का मिश्रण तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने भजिया के मिश्रण से छोटे छोटे पोर्शन रख लिए प्लेट में ऐसे करके, ताकि ऑयल में फटाफट से भजिया डाल पाए। एक एक करके गरम ऑयल में भजिया डाल लेंगे और एक बार में जितना आसानी से आ पाएगा उतना ही डालेंगे। एक बार कढ़ाई को ऐसे गोल गोल घुमा लेंगे ताकि सारे भजिया अच्छे से डिप हो जाए ऑयल में। भजिया को एक बार उलट पलट कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे उलट पलट करते हुए भजिया को अच्छी तरह ब्राउन होने तक फ्राई करना है। भजिया काफ़ी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है, ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। टैप करेंगे हल्का सा ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। बस ऐसे ही बैच बाय बैच सारे भजिया ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारा व्रत में खाने वाला आलू का भजिया बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बना है ये। आप इसे व्रत वाली चटनी के साथ खा सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको व्रत वाली चटनी की रेसिपी मिल जाएगी। आई बटन में इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से व्रत में खाने वाला आलू का भजिया एक बार जरूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।